आज से 12 साल पहले। मुझे बहुत शर्म आ रही है और बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मेरे साथ भी रेप हुआ था, मेरे साथ बलात्कार हुआ था। मुझे ये शब्द कहने नहीं चाहिए, एक बींग अ गर्ल बहुत शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए। मेरे आंखों में आंसू है, मेरे हृदय छिलनी है, मुझे अंदर से इतनी तकलीफ हो रही है। आज तक मैंने जबान नहीं खोली, लेकिन बॉलीवुड को ऐसे बदनाम किया जा रहा है। हर लड़की बहती गंगा में हाथ धो रही है, चलती ट्रेन पकड़ रही है। इतना दुख हो रहा मेरे अंदर कि मैंने कहा अब मुझे मुंह खोलना चाहिए, अब मुझे कहना चाहिए कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है। किसने किया? दोस्तों, मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि घिनौनी हरकत मेरे साथ हुई है, एक बार नहीं, बार बार। बट मुझे नाम लेते हुए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुझे धमकियाँ मिली जा रही है मारने की, गैंग रेप की मुझे धमकियाँ मिल रही है। पुलिस स्टेशन में भी मैं कंप्लेंट लिखवा चुकी हूँ। आप देख रहे हैं मेरे हाथों में पसीना आ रहा है, मैं कितनी डर रही हूँ उनका नाम लेने के लिए। बहुत मीटू मीटू हो रहा है, अब मैं चाह रही हूँ कि शीटू हो। तो राखी सावंत का बलात्कार रेप बार बार तनुश्री दत्ता ने किया है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की लड़की का बलात्कार कैसे कर सकती है। 377 कानून लागू हो गया है, किस पे लगा है आप जानते हैं, ही शी टू शी। आपको क्या लगता है तनुश्री दत्ता ने बाल क्यों मुंडवाए थे? वो एक लड़की नहीं, लड़का है। हाँ, अंदर से वो एक पूरा लड़का है। तनुश्री दत्ता ने आज से 12 साल पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तनुश्री दत्ता, तुम मिस इंडिया हो, तुम मिस इंडिया हो, मैं मानती हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तनुश्री दत्ता, तुम भूल गए रेव पार्टी में? रेव पार्टी में तुम मुझे 2-3 बार लेकर गई, अलग अलग पार्टियों में लेकर गई। तुम कहती हो ना मैंने तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाए। तुम वो सिगरेट खाली करके उसके अंदर से तंबाकू निकाल के उसके अंदर जो मसाला भर रही थी, कौन भर रहा था वो मसाला? वो मसाला ग्रीन कलर का, और बाद में तुम लेती थी उसे, क्या वीड कहते हैं मुझे नहीं पता। तो क्या आपको भी दिया था उन्होंने? हाँ, मैंने भी लिया था इसके चक्कर में 2-3 बार। मैं तो फ्लाई करने लगी थी, उड़ने लगी थी। हाँ, मैंने लिया था। मैं तो नहीं, मुझे तो लगा सिगरेट है करके। मैं तो नादान थी, इनोसेंट थी, मेरे मुँह में ज़बरदस्ती डाल रहा था। और आपको मैं बताऊँ, मैं आज मीडिया की बातों का जवाब देने ने मैं अपने आप बीती सुनाने आई हूँ कि वो एक लेस्बियन है। सिर्फ मर्द ही रेप नहीं करते, एक लड़की भी रेप करती है। बहुत हंसी आ रही होगी आपको, लेकिन ये बात सच है, ये बात सच है। उनका का सामर्थांगन कहीं पे एक घर था उनका, मैं वहाँ गई थी लोखंडवाला में, 2-3 घर उन्होंने चेंज किए। सबूत भी है मेरे पास, एक मेल और एक फीमेल, सबूत है मेरे पास। आज से 12 साल पुरानी कहानी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा तनुश्री, मैं हमेशा एक फीमेल की इज्जत करती हूँ, हमेशा मैं हर महिला की इज्जत करती हूँ, लेकिन तुमने एक सोई हुई नागिन को जगाया है। मैं खामोश थी अब तक, मैं अब तक खामोश थी कि जाने दो, तुमने झूठे झूठे इल्ज़ाम नाना पाटेकर जी पर लगाए। मैं खामोश रही, मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी, जाने दो। और तुमने तो मुझ पे 10 करोड़ का केस किया, तुमने मुझ पे 10 करोड़ का दावा किया है, मैं तुम्हें 50 करोड़ का करती हूँ। मेरी बहन, शायद आपके वकील ने आपको बताया नहीं है कि जज साहब जो है ना, कोर्ट में पहले 2 या 3% कितने परसेंट भरने पड़ते हैं ना, तो पहले 10 लाख रुपए आप कोर्ट में भरिए। मैं तो भर दूंगी 50 लाख रुपए, है ना?
तो आप 10 करोड़ का मुझ पे दावा कर रही, तो मैं आप पे 50 करोड़ का करूंगी। बहुत सताया है तुमने मुझे। तुम कहती हो मैं मिस इंडिया हूँ, उस वक्त मिस इंडिया हूँ। हाँ तुम मिस इंडिया हो, मैं भी मिस अंधेरी वेस्ट हूँ, समझी। अब तुम्हारा अत्याचार नहीं चलेगा। वो किसके शो में जाके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही हो, तुम्हारे साथ वो एंकर भी इतना चिल्लम चिल्ली कर रहा है, वो गोस्वामी कौन है, अर्णव गोस्वामी जी के साथ। उन्हें क्या लगता है इंग्लिश में इतना चिल्लम चिल्ली करने से लोग आपकी सच बात को मान लेंगे? नहीं मानेंगे। चिल्लाने से सच साबित नहीं होता। कोर्ट में मैं भी कहूँगी कि तुमने तुम्हारी उंगली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया। हाथ खाने के लिए दिए जाते हैं, कहीं और इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मुझे शर्म आती है कहते हुए भी कि तुमने मेरे प्राइवेट पार्टों के साथ तुमने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ तुमने मुझे टच किया है। यहाँ टच किया तुमने मुझे, कि तुमने मुझे मेरे जिस्म को कहीं का नहीं छोड़ा। तनुश्री दत्ता, तुम एक लेस्बियन हो, तुम मुझे इतना चाहती हो मुझे पता नहीं था। तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है मेरे लिए। हाँ तुमने अपने बाल मुंडवा दिए मेरे लिए, ये तो चैलेंज लगी थी ना। तुमने मुझे कहा था मैं तुम्हारे लिए बाल मुंडवा दूंगी, मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ, मुझे क्या पता था। तुम बहुत अच्छा गेम कर रही हो, बहुत अच्छा खेल खेल रही हो, पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रही हो। और तुम्हारे चक्कर में जिन जिन लड़कियों के पास काम धंधा नहीं है, काम नहीं है, जो इंडस्ट्री में हार चुकी है ऑडिशन देते देते, स्किन टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट देते देते, अब उनको लगता है कि हम न्यूज़ चैनलों में जाके बैठ जाएंगे तो शायद कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता।